हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम उमा शंकर निर्मलकर, असिस्टेंट प्रोफेसर, भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी। टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं डेफिनेशंस क्या क्या हैं। एंटीसेप्टिक्स एजेंट्स दैट कॉज डिस्ट्रक्शन और इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई ऑन लिविंग सरफेस सच एज स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो एंटीसेप्टिक्स वो एजेंट होते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं या इनहिबिट करते हैं जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस, बैक्टीरियाज एंड फंगाइज, ये सब आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इन सबको क्या करता है, वो किल करने का काम करता है, या तो उसको इनहिबिट करेगा या तो डिस्टर्ब करेगा। तो वो जो मतलब एजेंट जो होता है वो क्या कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो किल कर रहा है या तो उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो एंटीसेप्टिक्स वो एजेंट हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सरफेस में, या जैसे लिविंग सरफेस का मतलब मीनिंग होता है आपका स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंगाई होते हैं, उसको किल करने का काम करते हैं। तो ये होता है आपका एंटीसेप्टिक्स। देन हम बात करेंगे डिसइन्फेक्टेंट। तो डिसइन्फेक्टेंट आपका डिसइन्फेक्टेंट एजेंट दैट कॉज डिस्ट्रक्शन और इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई ऑन नॉन लिविंग सरफेस सच एज इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स, पीस ऑफ फर्नीचर, रूम्स, ईटीसी। ठीक है, तो डिसइन्फेक्टेंट क्या हो गया, ये आपके जो नॉन लिविंग सरफेस होते हैं, जैसे हम एग्जांपल में देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, पीसेस ऑफ फर्नीचर्स, चेयर, कुर्सी, टेबल, पीसेस ऑफ फर्नीचर्स, रूम्स, तो ये सब में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हुआ रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगाई ग्रो हुआ रहता है, उसको या तो इनहिबिट करेगा या उसको डिस्टर्ब करने का काम करता है, उस एजेंट को हम बोलते हैं डिसइन्फेक्टेंट। डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन, सम केमिकल्स कैन एक्ट आइदर एज एंटीसेप्टिक्स और एज एन डिसइन्फेक्टेंट। तो एक ही केमिकल क्या होता है, आपके कंसंट्रेशन के बेस पे एंटीसेप्टिक का भी काम करेगा और साथ में डिसइन्फेक्टेंट का भी काम करता है। जैसे आपका फिनॉल सॉल्यूशन जब 0.2% होता है तो वो एंटीसेप्टिक होता है, 1% में वो डिसइन्फेक्टेंट होता है। तो ये आपके सिंपल डेफिनेशन हो गया डिसइन्फेक्शन एंड एंटीसेप्टिक्स का। नेक्स्ट देखते हैं हम, अ गुड एंटीसेप्टिक एंड डिसइन्फेक्टेंट शुड बी, मतलब एक गुड मतलब एक डिसइन्फेक्टेंट एक एंटीसेप्टिक्स होता है वो कैसे नेचर का होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक अच्छा डिसइन्फेक्टेंट क्या होना चाहिए, एक अच्छा एंटीसेप्टिक्स क्या होना चाहिए, केमिकली स्टेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, नॉन स्टेनिंग विथ एग्रीबल कलर एंड ऑर्डर। नॉन स्टेनिंग मतलब कहीं भी अपन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका कलर नहीं छोड़ना चाहिए, या उसका ऑर्डर जो है खराब, बैड ऑर्डर नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम खराब ऑर्डर नहीं होना चाहिए, ऑर्डर मतलब स्मेल, ठीक है। साइडल एंड नॉन मेरली स्टेटिक्स, साइडल होने चाहिए या तो, मतलब साइडल का मतलब होता है कील करने वाला होना चाहिए। मेरेली स्टेटिक मतलब केवल स्थिर, मतलब नॉट मेरेली स्टेटिक्स, केवल जो स्थिर कर ऐसा टाइप का नहीं होना चाहिए, मतलब कील करने वाला होना चाहिए। डिस्ट्रॉइंग स्पोर्ट्स एज वेल, तो वो आपका जो इसके स्पोर्ट्स होते हैं, जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसको भी किल करना चाहिए। एक्टिव अगेंस्ट ऑल पैथोजेंस, एक्टिव जितने पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस, प्रोटोजोआ, सबके अगेंस्ट में क्या होना चाहिए, इसको एक्टिव होना चाहिए, मतलब ये अच्छे से काम करना चाहिए। रिक्वायर ब्रीफ टाइम ऑफ एक्सपोजर, जिसका एक्सपोजर का टाइम है, इसका जो खुलने का टाइम है, इसका असर का जो लेंथ होता है, टाइमिंग होता है, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत अच्छे से होना चाहिए, बहुत डीपली होना चाहिए। एबल टू स्प्रेड थ्रू ऑर्गेनिक फिल्म्स एंड एंटर फोल्ड एंड क्रिवाइसेस, तो इसका जो आपका जो इसमें फैलने की जो शक्ति होती है, जो एबिलिटी होती है फैलने की, जो एबिलिटी होती है स्प्रेडिंग की, जो एबिलिटी होती है, ऑर्गेनिक फिल्म तो होनी ही चाहिए, साथ में आपका जो दरारें होती हैं या जो सिलवट जो जगह होती है, सिलवट मतलब जो मुड़ा मुड़ा रहता है उसको सिलवट बोलते हैं, दरारें जो आपका एक क्रैक्स होते हैं जो दरारें, उसमें भी प्रवेश करने के लिए, उसमें भी इंटर करने के लिए इसकी एबिलिटी हो।
होनी चाहिए, तो उसी को बोला गया एबल टू स्प्रेड थ्रू ऑर्गेनिक फिल्म एंड एंटर फोल्ड्स एंड क्रिवाइसेस, एक्टिव इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लड पस एक्सुडेट एंड एक्सक्रेटा। ठीक है, तो ये आपका जो एक्टिव होना चाहिए, उस ब्लड के प्रेजेंस में भी एक्टिव होना चाहिए, जब ब्लड हो, पस हो, या आपके एक्सुडेट डेट्स हो उसमें प्रेजेंस में, और आपके जो एक्सक्रेटा है उसके प्रेजेंट में भी ये सब एक्टिव होना चाहिए। एक्सक्रेटा मतलब खराब चीजें बोलते हैं ना, जैसे मलमूत्र बोलते हैं, वैसे उस जगह उसके लिए भी ये क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए गुड डिस इन्फेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक्स में। प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है एंटीसेप्टिक्स एंड डिस इन्फेक्टेंट्स के, माइक्रोसाइडल एक्टिविटी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको किल करने वाली एक्टिविटी होनी चाहिए, नॉन स्टेनिंग एंड गुड ऑर्डर। कलर आपका जो कलर छोड़ना है वो कलर नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे अपन कपड़े में लगाया या अपन कहीं लगाया तो उसका, जैसे अपन स्किन में लगाए तो स्किन के टच में अगर कपड़े आ रहे हैं तो उसमें कलर नहीं होना चाहिए। गुड ऑर्डर, इसका जो स्मेल होता है वो अच्छा होना चाहिए। एक्टिव अगेंस्ट ऑल पैथोजन, हर एक पैथोजन के अगेंस्ट में एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ पस ब्लड एंड एक्सुडेट्स, जो पस है, ब्लड है, एक्सुडेट है, उसके प्रेजेंस में भी ये एक्टिव होने चाहिए। रैपिड एक्टिंग, बहुत जल्दी एक्ट करना चाहिए। नॉन इरिटेटिंग टू टिश्यू, नॉन कोरोसिव, जो आपकी स्किन है उसको इरिटेशन कॉज नहीं करना चाहिए या आपका कहीं भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए आपकी स्किन में। नॉन एब्जॉर्बेबल, आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, मतलब ब्लड तक नहीं पहुंचना चाहिए। नॉन सेंसिटाइजिंग, मतलब आपका इसका ज़्यादा सेंस, मतलब जैसे जलना हो गया, बहुत ज़्यादा जलन होना, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक्स में। देना देखते हैं आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या होता है, ये आप एंटीसेप्टिक्स के लिए मान सकते हैं, लेकिन डिसइंफेक्टेंट की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ कंटामिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टाइप्स ऑफ कंटामिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ईच डिसइंफेक्टेंट हैज यूनिक एंटी माइक्रोबियल एट्रीब्यूट्स। तो आपका जो डिसइंफेक्टेंट होने चाहिए वो हर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए होने चाहिए, इसकी जो एंटी माइक्रोबियल जो एट्रीब्यूशन है तो ये भी आपका हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए होना चाहिए। डिग्री ऑफ कंटामिनेशन की बात करेंगे, डिग्री ऑफ कंटामिनेशन की बात करेंगे तो डिस डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ डिस इन्फेक्टेंट रिक्वायर्स एंड टाइम ऑफ एक्सपोजर। तो आपका जो क्या के एक्सपोजर का टाइम होता है वो ज़्यादा होना चाहिए, क्वालिटी होती है जो आपके ज़्यादा होनी चाहिए। अमाउंट ऑफ प्रोटीज मटेरियल प्रेजेंट, जो आपके डिस इन्फेक्टेंट में प्रोटीनियस मटेरियल है उसका प्रेजेंट का अमाउंट क्या होता है, तो वो हाई प्रोटीन बेस्ड मटेरियल एब्जॉर्ब एंड न्यूट्रलाइज सम केमिकल डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, तो आपका जो हाई प्रोटीन बेस्ड मटेरियल एब्जॉर्ब मटेरियल होता है वो न्यूट्रलाइज करता है कुछ केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स के थ्रू। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डिसइंफेक्टेंट में आपका प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर भी होने चाहिए। अदर कंपाउंड सच एस सोपी में न्यूट्रलाइज सम डिसइंफेक्टेंट, तो आपके ऑर्गेनिक मैटर एंड अदर कंपाउंड सच एस सोप्स में न्यूट्रलाइज सम डिसइंफेक्टेंट्स। केमिकल नेचर ऑफ डिसइंफेक्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मोड ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट डिसइंफेक्टेंट। तो केमिकल नेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमको किस चीज किस पर्पस के लिए उसको यूज करना है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट का सिलेक्शन करते हैं। तो ये आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया है डिसइंफेक्टेंट के। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट या एंटीसेप्टिक्स, किस मैकेनिज्म के थ्रू ये वर्क करता है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। डिस्टर्ब सेलुलर स्ट्रक्चर, तो ये सेलुलर स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करेगा, आप तोड़ने का काम करेगा, कैसे करेगा देखेंगे अभी। ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म, जो बैक्टीरिया के प्रोटोप्लाज्म होते हैं उसमें क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, जिसके कारण से वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन थ्रू किसके थ्रू हो सकता है, तो H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हैलोजेंस, पोटेशियम परमैंगनेट के थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म होता है। डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स इंक्लूडिंग एंजाइम, तो जो आपके बैक्टीरिया में जो प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया भी एक सेल है, तो उसमें जो प्रोटीन होते हैं उसको डीनेचुरेट करता है। ठीक है, तो उसको डीनेचुरेट करने वाले जो एजेंट्स हैं वो है आपके फिनॉल,
क्लोरहेक्सीडीन, एल्कोहल, एल्डिहाइड्स। उसके बाद एक मैकेनिज्म है आपका इंक्रीजिंग परमिएबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, जो आपके बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी होती है उसको इंक्रीज करने वाला, ताकि उसमें कोई भी चीज़ अंदर चला जाए और उसको कील करने का काम करे। तो आपके जो एजेंट्स हैं सेट्रीमाइड और सोप्स, तो ये इस मैकेनिज्म के थ्रू आपका जो भी एंटीसेप्टिक्स है और आपके जो डिसइंफेक्टेंट है वो वर्क करते हैं। तो इसमें आपका तीनों को कंबाइन करेंगे तो क्या कर रहा है, उसके सेलुलर स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है या तोड़ रहा है, उसी को खत्म कर रहा है। देन हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट। तो ये आपके क्लासिफिकेशन है फिनॉल डेरिवेटिव्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हैलोजन्स, बाइगुआनाइड्स, क्वाटर्नियम अमोनियम कंपाउंड, सोप्स, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड, एसिड्स, सरफेस एंटीजन, मेटालिक सॉल्ट्स या मेटल्स, डाइस, फ्यूरॉन डेरिवेटिव्स। तो ये सारे क्लासिफिकेशन हैं, इनको एक एक करके हम डिटेल में भी देखते जाएंगे कि क्या क्या आपके होते हैं। तो इसमें सबसे पहला है आपका फिनॉल डेरिवेटिव्स। फिनॉल डेरिवेटिव्स में बात करेंगे फिनॉल की। फिनॉल इट इज द वन ऑफ द अर्लीस्ट यूज्ड एंटीसेप्टिक्स एंड स्टिल द स्टैंड फॉर कंपेयरिंग द अदर जर्मिसाइड्स। तो जो आपका फिनॉल जो होता है वो अभी भी यूज करने वाला, पहले भी यूज होता था, अभी भी यूज करने वाला, सबसे ज्यादा यूज करने वाला एंटीसेप्टिक्स है ये। स्टैंडर्ड होता है अदर जर्मिसाइड्स, जो अदर जो जर्मिसाइड्स प्रेजेंट है उसके कंपेयरिंग में ये बहुत अच्छा होता है। इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ये है डी नेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन। जो बैक्टीरिया में जो प्रोटीन होता है, बैक्टीरियल सेल में जो प्रोटीन होता है उसको ये डी नेचुरेट करता है, जिसके कारण से वो बैक्टीरिया या तो इनहिबिट हो जाता है या डिस्ट्रक्ट हो जाता है या किल हो जाता है। इट एक्ट बाई डिसरप्टिंग बैक्टीरियल मेम्ब्रेन एंड डी नेचुरेटिंग बैक्टीरियल प्रोटीन। तो ये हमने देखा अभी मैकेनिज्म में कि ये आपका बैक्टीरियल जो मेम्ब्रेन होता है उसको डिस्टर्ब करता है, आपका डी नेचुरेशन बैक्टीरियल प्रोटीन, जो बैक्टीरियल प्रोटीन है उसको डी नेचुरेट करता है, जिसके कारण से आपका बैक्टीरिया आगे ग्रो नहीं कर पाता और वो इनहिबिट हो जाता है या किल हो जाता है। इट इज यूज टू डिस इनफेक्ट यूरिन, फिशेस, पस, स्पूटम ऑफ पेशेंट। फिनॉल का यूज किया जाता है आपका यूरिन, फीसेस, पस, स्पूटम ऑफ पेशेंट को डिसइंफेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है फिनॉल का। और आपको क्रिसॉल जो आपका लाइजॉल में आता है, इट इज मेथाइल फिनॉल, इट इज मेथाइल फिनॉल, मोर एक्टिव एंड लेस डैमेजिंग टू टिश्यू। तो ये आपका अगर फिनॉल के कंपेयर में देखा जाए तो ये आपका मोर एक्टिव होता है लेकिन आप लेकिन लेस डैमेजिंग टू टिश्यू, लेकिन इसका डैमेजिंग मतलब साथ में इसका जो टिश्यू का जो डैमेजिंग प्रॉपर्टी होता है ये भी कम होता है और आपको मोर एक्टिव भी होता है, मतलब ये आपका ज़्यादा एक्टिव होता है, 3 to 10 times मोर एक्टिव देन फिनॉल, क्योंकि आपका फिनॉल का मेथाइल फॉर्मेशन है तो इसलिए हम इसको डेरिवेटिव बोलते हैं। तो ये आपका फिनॉल का डेरिवेटिव है जिसको हम क्रिसॉल बोल रहे हैं। तो क्रिसॉल आपका जो लाइजॉल आता है उसमें प्रेजेंट होता है, तो ये आपको डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम होता है, ठीक है। यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ यूटेंसिल, एक्सक्रेटा एंड फॉर वॉशिंग हैंड, ठीक है। तो यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ यूटेंसिल, यूटेंसिल मतलब बर्तन, बर्तनों को साफ करने में, एक्सक्रेटा मतलब जो वेस्ट वेस्ट होते हैं, वेस्ट मतलब जैसे मलमूत्र बोलते हैं वेस्ट, एंड वॉशिंग हैंड और हैंड को वॉश करने के लिए भी यूज किया जाता है आपके क्रिसॉल का। तो ये आपके फिनॉल डेरिवेटिव्स हैं। और फिनॉल डेरिवेटिव्स में और देखेंगे तो आपका एक एग्जांपल है आपका क्लोरोजेलिनॉल, ठीक है। तो आपका क्लोरोजेलिनॉल जो आपका डेटॉल में होता है, डज नॉट कोएगुलेट प्रोटीन, नॉन कोरोसिव एंड नॉन इरिटेटिंग टू इंटैक्ट स्किन। तो ये आपके जो प्रोटीन होते हैं, जो आपके बैक्टीरियल प्रोटीन होते हैं उसको कोएगुलेट होने नहीं देता है, मतलब उसको किल करने का काम ये भी कर रहा है। और ये आपका नॉन कोरोजी होता है और नॉन इरिटेटिंग होता है, मतलब आपकी स्किन में ये क्या करेगा, आप अप्लाई करेंगे तो आपके स्किन में इस इरिटेशन कॉज नहीं करेगा और आपके स्किन को डैमेज भी नहीं करेगा। तो ये आपका डेटॉल हो गया। कमर्शियली 4.8% सॉल्यूशन यूज्ड फॉर सर्जिकल एंटीसेप्सिस। तो ये जो डेटॉल होता है या तो क्लोरोक्साइलिनॉल जो होता है आपका कमर्शियली जो 4.8% जो सॉल्यूशन होता है उसको सर्जिकल एंटीसेप्सिस में यूज किया जाता है। तो ये हो गए आपके फिनॉल एंड फिनॉल डेरिवेटिव्स।
देन हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे तो आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 3% सॉल्यूशन जो होता है, इट लिबरेटेड नेसेंट ऑक्सीजन विच ऑक्सीडाइज नेक्रोटिक मैटर एंड बैक्टीरिया। तो जो आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है वो बैक्टीरिया के जो सेल होते हैं उसमें क्या करता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन को क्या करता है, लिबरेट करता है, ये लिबरेशन करता है ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन का, जिसके कारण से आपके जो सेल का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो नेक्रोटिक हो जाता है, मतलब उसका डेथ होना चालू हो जाता है, जिसके कारण से आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इनहिबिट हो जाता है, किल हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है। अ 3% सॉल्यूशन प्रोड्यूस 10 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मच ऑफ विथ स्पेस इन स्केप इन मॉलिकुलर फॉर्म। जो आपका 3% सॉल्यूशन होता है ये आपका 10 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है जो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, ठीक है, मॉलिकुलर इसका आपका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें चेंजेस लाता है। कैटलेस प्रेजेंट इन टिश्यू स्पीड डीकम्पोजिशन रिजल्टिंग इन फोमिंग। तो इसमें जो आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है जिसको हम अप्लाई करते हैं तो आपको एक फोम का फॉर्मेशन होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ इसमें कैटलेस प्रेजेंट होता है जो आपके टिश्यू को स्पीडली डैमेज करता है जिसके कारण से फोम का फॉर्मेशन होता है। हेल्प इन लूजिंग एंड रिमूविंग स्लॉग एंड ईयर वैक्स। तो ये आपको यूज किया जाता है, जैसे आपका डेड टिश्यू कहीं अगर बॉडी में डेड टिश्यू है उसको रिमूव करने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये आपके स्किन में अप्लाई करने पे बहुत स्पीडली ही प्रोटीन को डीनेचुरेट करता है जिसके कारण से इसमें फोम का फॉर्मेशन होता है, और साथ में ईयर वैक्स को रिमूव करने के लिए भी हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज किया जाता है। देन हम देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ही पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। इट ऑकर्स एज पर्पल क्लिस्टर। आपको पता है पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर, इट ऑकर्स एज पर्पल क्लिस्टर हाईली वाटर सॉल्यूबल लिबरेटेड ऑक्सीजन विच ऑक्सीडाइज बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म। ये भी आपका सेम वर्क करता है जैसे आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड वर्क कर रहा है, ये भी आपका लिबरेट करेगा ऑक्सीजन जो बैक्टीरियल जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, तो ऑक्सीडाइज करने पे अच्छे से आपका आगे का ग्रो नहीं होता है उनमें और वो डिस्टर्ब हो जाता है, या आपका किल हो जाता है या इनहिबिट हो जाता है। ब्रॉड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, इसकी जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है पोटेशियम परमैंगनेट की वो बहुत ज़्यादा होती है। इट हैज़ ऑल्सो बीन यूज टू डिसइनफेक्ट वाटर। जो आपके वेल्स में, कुओं में, पॉन्ड्स मतलब तालाब में जो पानी होता है उसको डिसइनफेक्ट करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट को यूज़ किया जाता है। एंड फॉर स्टमक वॉश इन एल्कोलाइड पॉइजनिंग, जब एल्कोलाइडल पॉइजनिंग होती है, एल्कोलाइड ड्रग का पॉइजनिंग होता है तो भी उस स्टमक को आपको वॉश करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ किया जाता है। तो ये हुआ आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका हम डिसइनफेक्टेंट एंटीसेप्टिक्स में यूज़ कर रहे हैं। देन हम बात करते हैं हैलोजेंस की, तो हैलोजेंस में बात करेंगे आयोडीन। तो आयोडीन इट इज़ अ रैपिडली एक्टिंग, इट आपका बहुत रैपिडली एक्टिंग करता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम बहुत ही ज़्यादा इसका जो प्रॉपर्टी होता है, मतलब एक एंटीसेप्टिक्स प्रॉपर्टी जो होता है वो ब्रॉड होता है। तो ये आपका किसको किसको इनहिबिट करेगा, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस, माइक्रोबियल एजेंट्स। तो आपके जो मतलब ये आपके जो बैक्टीरिया है, फंगाई है, वायरस है, ये सबको क्या करेगा, ये किल करने का काम करता है। तो इसीलिए इसको बोला गया है रैपिडली एक्टिंग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसाइडल एजेंट, एंटीसाइडल, ठीक है, सॉरी माइक्रोसाइडल, माइक्रोसाइडल मतलब माइक्रोस मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म, साइडल मतलब किल करने वाला। तो ये आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है वेरी रैपिडली, और इसका जो स्पेक्ट्रम होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब बहुत ज़्यादा इसका एबिलिटी होता है बैक्टीरिया, फंगाई और वायरस को किल करने का। एक्ट बाई आयोडिनेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग माइक्रोबियल प्रोटोप्लाज्म। ये माइक्रो जो आपका बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म होता है उसको ऑक्सीडाइज करने का या आयोडिनेटिंग करने का काम करता है, जिसके कारण से उसमें उसके प्रोटीन में अच्छे से फॉर्मेशन नहीं हो पाता और वो किल हो जाता है या इनहिबिट हो जाता है, ठीक है। इसमें आपका टिंचर आयोडीन, आयोडीन का एग्जाम्पल है आपका टिंचर आयोडीन 2% इन एल्कोहल। तो आपका आयोडीन का 2% एल्कोहल में अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो आपका टिंचर आयोडीन बनता है। इट इज यूज ऑन कट्स फॉर डिजर्मिनाइंग स्किन बिफोर सर्जरी एंड टू ट्रीट रिंग वर्म्स। तो ये आपका जो छोटे छोटे कट्स होते हैं उसमें यूज होता है टिंचर, आपका आयोडीन टिंचर जो है आपका जो सर्जरी के पहले जो जिस जगह पे आपको सर्जरी करना है उसको जो उसमें आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म है उसको रिमूव करना है तो आपका टिंचर आयोडीन का यूज़ किया जाता है। और साथ में आपके जो रिंग वर्म होते हैं उसके ट्रीटमेंट में भी रिंग वर्म्स
लाइक कोई इफेक्ट होता है तो उसके ट्रीटमेंट में भी इस एंटीसेप्टिक्स या डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक्स का यूज किया जाता है। तो टिंचर आयोडीन, अ नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट, आपका आयोडीन का ऑइंटमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं आयोडेक्स, सभी लोग जानते हैं आयोडेक्स, जो 4% इज पॉपुलर एज एंटीसेप्टिक एंड काउंटर इरिटेंट। ये आपका जो इसका टिंचर आयोडीन का जो आयोडीन ऑइंटमेंट आता है नॉन स्टेनिंग होता है, आपका आयोडेक्स के नाम से जाना जाता है। ये पॉपुलर, बहुत पॉपुलर एंटीसेप्टिक्स है। तो आपका हेलोजन में ही है क्लोरीन, क्लोरीन अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एंड अ रैपिडली एक्टिंग पोटेंट जर्मिसाइड। आपका जो क्लोरीन होता है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है और इसका जो एक्शन होता है आपका पोटेंट एक्शन होता है, आपका हाईली स्पीडली एक्ट करता है, आपको जर्मिसाइड्स होता है मतलब जर्म्स को क्या करता है, किल करने का काम करता है। 0.12-0.25 ppm पार्ट पर मिलियन किल्स मोस्ट पैथोजेंस, जो आपके इसका 0.12-0.25 जो ppm होता है वो आपके मोस्ट पैथोजेंस को क्या करता है, किल करता है। सिर्फ आप 30 सेकेंड में, ये आपके ओनली 30 सेकेंड में ही इतने सारे जो आपके पॉइंट जो मोस्ट पैथोजेंस है उनको 30 सेकेंड में किल करने का काम करता है। सिर्फ ये आपका जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसमें काम नहीं करता है आपका क्लोरीन। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन ग्रुप जो आपका एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट में यूज होता है। देन हम बात करेंगे बाइगोनाइड्स की, बाइगोनाइड्स की बात करेंगे तो आपको उसमें ड्रग आता है क्लोरहेक्सीडीन, अ पावरफुल नॉन इरिटेटिंग कैटाइनिक एंटीसेप्टिक्स दैट डिसरप्ट बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। तो ये आपका क्लोरहेक्सीडीन जो है आपका पावरफुल और नॉन इरिटेटिंग कैटाइनिक एंटीसेप्टिक्स है जो क्या करता है, जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन होता है, जो बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन होता है उसको डिस्टर्ब करने का काम करता है, उसको तोड़ने का काम करता है, उसको खत्म करने का काम करता है। अ सेकेंडरी एक्शन इज डीनेचुरेशन ऑफ माइक्रोबियल प्रोटीन। ये आपका जो माइक्रोबियल प्रोटीन होता है, जो आपका बैक्टीरिया में जो माइक्रोबियल प्रोटीन होता है उसको क्या करता है, वो डीनेचुरेट करने का काम करता है। तो ये उसका सेकेंडरी मैकेनिज्म है या सेकेंडरी एक्शन बोल सकते हैं। इट इज रिटेटिवली मोर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो आपका क्लोरहेक्सीडीन होता है वो क्लोरहेक्सीडीन जो होता है आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए ज़्यादा एक्टिव होता है। प्रेजेंट इन सेवलॉन, तो आपका जो क्लोरहेक्सीडीन होता है वो आपके सेवलॉन, जो सेवलॉन आता है उसमें भी प्रेजेंट होता है। इट इज एक्सटेंसिवली यूज फॉर सर्जिकल स्क्रब, नियोनेटल बाथ, माउथ वॉश, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड जनरल स्किन एंटीसेप्टिक्स। तो ये आपके बहुत जगह यूज हो रहा है, जैसे आपके सर्जिकल स्क्रब्स में, नियोनेटल बाथ में, सर्जिकल स्क्रब्स मतलब जो आपके स्क्रब्स यूज होते हैं, सर्जिकल स्क्रब्स जो सर्जरी के टाइम पे जो आपके कॉटन के स्क्रब यूज किए जाते हैं उसमें यूज होते हैं, नियोनेटल बाथ में आपका यूज होता है, माउथ वॉशिंग में आपका यूज होता है, आपके जो ये आपका जनरल स्किन एंटीसेप्टिक्स भी है। आपको पता होगा सेवलॉन के बारे में। क्लोरहेक्सीडीन इज द मोस्ट वाइडली एम्प्लॉयड एंटीसेप्टिक्स इन डेंटिस्ट्री। जो आपके दांतों से रिलेटेड कोई भी आपका एंटीसेप्टिक्स यूज करना है तो आपका क्लोरहेक्सीडीन ही सबसे ज्यादा यूज होता है, मतलब जो आपके डेंटल जो डॉक्टर होते हैं, जो आपके डेंटल ट्रीटमेंट करते हैं वो क्लोरहेक्सीडीन को ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो ये आपका बाइगोनाइड्स हो गया जिसको एंटीसेप्टिक एंटीसइंफेक्टेंट में यूज किया जाता है। देन हम बात करते हैं क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड, क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड एंटीसेप्टिक्स। दीज आर डिटर्जेंट, ये आपका डिटर्जेंट भी होता है, साइडल टू बैक्टीरिया फंगाई एंड वायरसेस। ये आपके बैक्टीरिया फंगाई और वायरसेस के लिए किलिंग का काम करता है। हाउएवर मैनी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, बहुत सारे जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं जैसे आपके स्यूडोमोनास, ठीक है, स्यूडोमोनास, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड बैक्टीरियल स्पोर्स आर रिलेटिवली रेजिस्टेंट। तो ये कुछ कुछ जो आपके बैक्टीरियाज हैं, आपका जो डिटर्जेंट होता है जो होता है वो आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस डेवलप कर दिया रहता है, मतलब जो आपके जैसे स्यूडोमोनास हो गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और बैक्टीरियल स्पोर्स, तो ये रेजिस्टेंट डेवलप होते हैं, प्रतिरोधी क्षमता रहती है डिटर्जेंट के लिए। दे एक्ट बाई अल्टरिंग परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड डीनेचरिंग ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन। तो ये आपका जो क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड होता है जिसमें हम डिटर्जेंट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, आपका जो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी होती है उसको अल्टर कर देता है, उसको चेंज कर देता है, और या तो आपके जो प्रोटीन बैक्टीरियल जो प्रोटीन होते हैं उसको डीनेचुरेट कर देता है, मतलब डीएक्टिवेट कर देता है।
दे आर वाइडली यूज एज सैनिटाइजर, आपके जो कॉटन ने अमून कम पड़ा है सैनिटाइजर में ज़्यादा यूज होता है आपका, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड ग्लव, जो आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे आपके सीजर्स हो गए, जो आपके नीडल्स हो गए, वो सब चीज़ों के जो सर्जरी में यूज होते हैं वो सारी चीज़ों को आपका डिसइंफेक्टेंट करने के लिए क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड का यूज किया जाता है। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड में हम और आगे देखेंगे आपके, तो आप उसी कंपाउंड या अलग से कंपाउंड भी मान सकते हैं इसको। सोप्स, सोप्स की बात करेंगे तो सोप्स आर एनायनिक डिटर्जेंट, वीक एंटीसेप्टिक्स, अफेक्ट ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो आपके सोप्स होते हैं वो भी एनायनिक डिटर्जेंट होते हैं, लेकिन ये आपका वीक होता है एंटीसेप्टिक, अगर एंटीसेप्टिक देखा जाए तो ये आपका वीक होता है। अफेक्ट ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ही अफेक्ट करता है। दे आर यूजफुलनेस प्राइमरली रेसिडेज इन देयर क्लिनजिंग एक्शन, तो ये आपका इसका जो मेन मेन जो मोटी होता है वो क्लिनजिंग प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो इसका मेन जो मोटी या जो प्रायोरिटी बोलेंगे वो आपका क्लिनजिंग एक्शन होता है। वॉशिंग विथ सोप एंड वार्म वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बाय रिमूविंग डायल्यूटिंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अगर आप सोप का यूज़ करें तो अगर आप उसको वार्म वाटर के साथ यूज़ करेंगे, गर्म पानी के साथ यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है किसी भी इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, ठीक है। तो ये आप सोप्स, ये आपका सोप्स भी हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका एल्कोहल, ठीक है। तो एल्कोहल की बात करेंगे तो एल्कोहल में आपका इथेनॉल, इट इज़ एन इफेक्टिव एंटीसेप्टिक्स एंड क्लिनजिंग एजेंट एट 40-90% कंसंट्रेशन। जो आपका इथेनॉल होता है वो आपका एंटीसेप्टिक्स होता है या आपका क्लीनिंग एजेंट भी होता है या डिसइंफेक्टेंट भी बोल सकते हैं। तो इसका जो यूज़ होता है 40-90%, मतलब 40-90% के बीच में इसका यूज़ होता है, कंसंट्रेशन में इसका यूज़ होता है। द रैपिडली एक्शन इंक्रीज विथ कंसंट्रेशन अप टू 70% एंड डिक्रीज अबव 90%। तो जो आपका रैपिडली एक्शन होता है विथ कंसंट्रेशन, मतलब 70% तक इसका जो एक्शन होता है वो अच्छा होता है, ठीक है, रैपिडली एक्शन शो करता है। और 90% के अबव, अगर कंसंट्रेशन 90% के अबव है तो इसका जो एक्शन होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते चला जाता है। इट एक्ट बाय प्रेसिपिटेटिंग बैक्टीरियल प्रोटीन, तो जो आपका इथेनॉल होता है वो बैक्टीरियल प्रोटीन को क्या करता है, प्रेसिपिटेट कर देता है, जिसके कारण से वो इनहिबिट हो जाता है। कॉटन स्वैब सोक्ड इन 70% इथेनॉल रब्ड ऑन द स्किन किल्स 90% बैक्टीरिया इन 2 मिनट्स। अगर हम कॉटन के स्वैब को 70% एल्कोहल में सोक करके, मतलब उसमें डुबा के निकाल के उसके बाद स्किन में रब करें, तो ये आपके जो स्किन में 90% जो बैक्टीरिया होते हैं उसको 2 मिनट में ही किल कर देता है। तो ये हो गया आपका इथेनॉल। इट हैज़ बीन यूज बिफोर हाइपोडर्मिक इंजेक्शन एंड नॉन माइनर और एंड माइनर कट्स। तो ये जो आपका इथेनॉल होता है वो मोस्टली यूज होता है हाइपोडर्मिक्स, जो आपके इंजेक्शन लगते हैं उसमें लगाने से पहले जो आपका अप्लाई किया जाता है, तो आपका इथेनॉल हो गया। और अगर आपको माइनर कट्स है तो उसमें भी आप इथेनॉल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इथेनॉल, जिसका हम यूज़ करते हैं डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक्स में। नेक्स्ट में हम बात करते हैं एल्डिहाइड्स का। तो एल्डिहाइड में आता है एग्जांपल आपका फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड इट इज़ अ पंजेंट गैस, या आपका गैस होता है। सम टाइम यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन, आपका फ्यूमिगेशन में भी यूज़ किया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड को। अ 37% एक्वस सॉल्यूशन कॉल्ड फार्मोलिन, जिसका फॉर्मेल्डिहाइड का 37% एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसको हम फार्मोलिन बोलते हैं, इज डायल्यूटेड टू 4%, उसको 4% डायल्यूट किया जाता है एंड यूज फॉर हार्डनिंग एंड प्रिजर्विंग डेड टिश्यू। जो आपके फार्मोलिन है उसका यूज किया जाता है टिश्यू के हार्डनिंग में और उसको प्रिजर्व करने के लिए। आपने स्पेसिमेन देखा होगा जिसमें ऑर्गन्स को रखा जाता है, वो आपको फार्मोलिन का सॉल्यूशन होता है, तो वो भी आपका एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टिंग की तरह वर्क कर रहा है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इट डीनेचुरेट्स प्रोटीन एंड इज अ जनरल प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन बट एक्ट स्लोली। तो आपका फॉर्मेल्डिहाइड भी जो होता है आपके जो प्रोटीन होते हैं बैक्टीरिया प्रोटीन होते हैं उसको डीनेचुरेट करता है, साथ ही साथ आपके जो प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन का भी काम करते हैं, जो आप बैक्टीरिया में प्रोटोप्लाज्म होते हैं उसके लिए पॉइजन का काम करते हैं, बट इसका एक्शन जो होता है वो धीरे धीरे होता है।
ब्रॉड स्पेक्ट्रम जर्मिसाइड्स बट यूज एन एंटीसेप्टिक। ये आपका जो इसका स्पेक्ट्रम होता है वो ब्रॉडली होता है, आपके जर्मिसाइड जो आपके होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जर्मिसाइड्स प्रॉपर्टी होती है, बट यूज ऑफ एंटीसेप्टिक इज रिस्ट्रिक्टेड। बस इसको यूज़ नहीं किया जाता एज अ एंटीसेप्टिक। क्यों यूज नहीं किया जाता इसको भी देखेंगे। इट्स इरिटेटिंग नेचर एंड पंजेंट ऑर्डर, इसका इरिटेशन इसमें स्किन में अप्लाई करते तो आपका इरिटेशन कॉज करते, जिसके कारण से इसको यूज़ नहीं किया जाता। इसका जो स्मेल होता है वो भी बहुत अजीब होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पंजेंट ऑर्डर के कारण इसको यूज नहीं किया जाता है। तो ये आपका एल्डिहाइड हो गया, जिसको हम बोल रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसिड्स की। तो एसिड्स की बात करेंगे तो आपका बोरिक एसिड आता है। इट इज अ ओनली बैक्टीरियो स्टेटिक्स एंड अ वेरी वीक एंटीसेप्टिक। जो आपका बोरिक एसिड होता है वो बैक्टीरियो स्टेटिक्स होता है, मतलब बैक्टीरियो स्टेटिक्स मतलब जो आप बैक्टीरिया को रोकने का काम करता है, ठीक है, किल करने का काम नहीं करता है। तो आपका बैक्टीरियो स्टेटिक्स होता है और यह साथ में ये वीक एंटीसेप्टिक्स होता है, मतलब इसकी एंटीसेप्टिक जो प्रॉपर्टी होती है वो वीक होती है। इट इज यूज्ड फॉर इरिटेटिंग आइस माउथ वॉश डाउचेस इटीसी। तो ये इसका यूज जो किया जाता है आपका जो आइस इरिटेटिंग, आपका आइस जो इरिटेट कर रहा है उसके उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, और साथ में आपके माउथ वॉश में भी इसका यूज किया जाता है, माउथ वॉश में भी इसका यूज किया जाता है। तो आपका इरिटेटिंग आइस माउथ वॉश और आपके डाउचेस, ठीक है, तो डाउचेस में भी आपका यूज़ किया जा सकता है। जैसे आपके शावर, आप वाटर शावर ले रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका एक प्रोडक्ट आता है बोरोग्लिसरीन पेंट। 30% सॉल्यूशन होता है आपका, 30% कॉन्सेंट्रेशन होता है आपके बोरिक एसिड का, जिसको हम बोल रहे हैं बोरोग्लिसरीन पेंट। इज यूज फॉर स्टोमाइटिस एंड ग्रोसाइटिस, ठीक है। तो आपको जो बोरोग्लिसरीन पेंट होता है 30% ऑफ बोरिक एसिड, इसको यूज किया जाता है स्टोमेटाइटिस में। स्टोमेटाइटिस आपका डिसीज होता है जो आपके माउथ और जो आपका लिप्स होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जो आपके माउथ है और आपके जो लिप्स है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं स्टोमेटाइटिस। और आपका ग्लोसाइटिस ये आपका जो आपके टंग में टंग मतलब जीभ में जो आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे ग्लोसोटाइटिस, ठीक है। तो ये इन दोनों के आपके ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। तो उसमें आपका एंटीसेप्टिक और एंटीसेप्टिक के फॉर्म में ये वर्क करेगा। इट इज इंक्लूडेड इन प्रिकली हीट पाउडर एंड ईयर ड्रॉप्स। बोरिक एसिड को आल्सो प्रिकली हीट पाउडर, जो आपकी घमोरिया होती है उसमें जो पाउडर यूज करते हैं आप घमोरिया को ठीक करने के लिए, उसमें भी आपको बोरिक एसिड का यूज किया जाता है, और ईयर ड्रॉप्स में भी बोरिक एसिड यूज किया जाता है। एसिड्स में ही आपका एसिटिक एसिड है। इट इज अ रिलेटिवली वीक एंटीसेप्टिक बैक्टीरियोसाइडल ओनली अबव 5%। आपका एसिटिक एसिड होता है वो भी आपका एंटीसेप्टिक होता है, बट वीक एंटीसेप्टिक होता है, और ये आपका बैक्टीरियोसाइडल नेचर का होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं उसको किल करने का काम करता है। तो ये हो गया आपका एसिड्स। देन हम देखते हैं आपका नेक्स्ट जो आपका एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट है वो आपका मेटालिक सॉल्ट्स। मेटालिक सॉल्ट्स की बात करेंगे तो आपका सिल्वर नाइट्रेट में बात करेंगे। इट रैपिडली किल्स माइक्रोब्स। ये आपका बहुत स्पीडली जो होता है बहुत तेजी से किल करता है माइक्रोब्स का। एक्शन परसिस्टिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स, इसका जो एक्शन होता है वो बहुत लंबे समय तक के लिए रहता है, बिकॉज ऑफ सो रिलीज ऑफ सिल्वर आयंस फ्रॉम सिल्वर प्रोटीनिएट फॉर्मिंग बाई इंट्रैक्शन विद टिश्यू प्रोटीन, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट जो होता है आपका रैपिडली आपका जो स्पीडली किल करता है माइक्रोब्स को बहुत तेजी से किल करता है, और ये आपका लंबे समय तक प्रेजेंट रहता है, क्योंकि आप इस सिल्वर नाइट्रेट में जो आपका सिल्वर रहता है वो सिल्वर आयन जो है धीरे 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 रिलीज होता है और बैक्टीरिया को इनहिबिट या किल करने का काम करता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म को धीरे 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 किल करने का काम धीरे धीरे रिलीज होता है, इसलिए आपका जो एक्शन होता है वो बहुत लंबे समय तक के लिए रहता है। इट इज हाईली एक्टिव अगेंस्ट गोनोकोकाई। ये आपका जो गोनोकोकाई होता है उसके लिए हाईली एक्टिव होता है, ठीक है। तो जो इसका अमाउंट होता है तो 1%, इसका जो 1% सॉल्यूशन होता है वो यूज होता है गोनोकोकाई के अगेंस्ट में, ठीक है। मतलब जो गोनोकोकाई मतलब ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके कारण से गोनोरिया डिसीज होता है, और ये इसका साथ में जिसका 1% जो सॉल्यूशन होता है यूज किया जाता है ऑप्थेल्मिया नियोटॉर्टम में, ठीक है। तो ऑप्थेल्मिया नियोटॉर्टम में इसका यूज किया जाता है, जो इसका 1% सॉल्यूशन होता है उसको किया जाता है।
तो ये होता है जो आपके न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनमें जो कंजक्टिवाइटिस होता है, कंजक्टिवाइटिस का मतलब होता है जैसे हम हिंदी में बोलते हैं आँख आ जाता है, आँख खाना को ही हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। जो आपके न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उसमें कंजक्टिवाइटिस होता है, उसमें सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है जिसका 1% सॉल्यूशन। आपको मेटेलिक सॉल्ट में सेकेंड है सिल्वर सल्फा डायाजिन, ठीक है, सिल्वर सल्फा डायाजिन, इट इज हाईली एक्टिव अगेंस्ट स्यूडोमोनास। ये आपका सिल्वर सल्फा डायाजिन जो होता है आपका स्यूडोमोनास के अगेंस्ट में हाईली एक्टिव होता है। इट हैज़ बीन यूज ऑन बर्न, ये आपकी जो बर्न हुआ रहता है, जो जला रहता है, जले हुए स्किन में भी यूज किया जाता है एज एंटीसेप्टिक्स। देन हम मेटेलिक सॉल्ट्स में बात करेंगे जिंक जिंक सल्फेट की, इट इज़ हाईली सॉल्यूबल, इट इज़ हाईली वाटर सॉल्यूबल, ठीक है। तो जिंक सल्फेट जो होता है आपका वाटर सॉल्यूबल होता है, हाईली वाटर सॉल्यूबल होता है। 0.1 to 1% इज यूज फॉर आई वॉश एंड इन आई एंड ईयर ड्रॉप। जो जिंक सल्फेट का जो 0.1 to 1% जो सॉल्यूशन होता है वो आई वॉश में यूज किया जाता है। आई मतलब आंखों को आपको साफ करना, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं आप जिंक सल्फेट के 0.1 या 1% सॉल्यूशन को, और साथ में यह ईयर ड्रॉप और आई ड्रॉप में भी यूज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डाइस, डाइस का मतलब होता है कलर। तो डाइस में आप देखेंगे एग्जाम्पल जेंटियन वायलेट या क्रिस्टल वायलेट, और रोजलिन डाइस एक्टिव अगेंस्ट स्टेफाइलोकोकाई, जो स्टेफाइलोकोकाई होता है एंड अदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड फंगाई। तो आपका जो क्रिस्टल वायलेट या जेंटियन वायलेट जो होता है वो आपका स्टेफाइलोकोकाई के अगेंस्ट में ज़्यादा एक्टिव होता है, और ये आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके अगेंस्ट में भी ये हाईली एक्टिव रहता है। एक्वस और एल्कोहलिक सॉल्यूशन 0.5 to 1% इज यूज इन फ्यूरनकुलोसिस, ठीक है। तो आपका जो एक्वस या एल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है डाइज जेंटियन वॉलेट का 0.5 to 1%, उसको यूज़ किया जाता है आपका जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसमें इंफ्लामेशन हो जाता है या उसमें पस जम जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूरनकुलोसिस, उसमें यूज़ किया जाता है, उसमें उसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। उसके बाद बेड सोर्स, बेड सोर्स का मतलब आप समझ सकते हैं कि जब आप बिस्तर में बहुत लंबे समय तक लेटे रहते हैं तो जो स्किन बेड के कांटेक्ट में रहता है वो स्किन क्या हो जाता है, नंबनेस आ जाता है, मतलब उस स्किन में क्या होता है, प्रॉब्लम आ जाता है। तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं जेंटियन वायलेट या क्रिस्टल वायलेट का। साथ में क्रोनिक अल्सर हुआ, आपको इन्फेक्टेड एक्जिमा हुआ, आपका थ्रस हुआ या विसेंट एंजाइना या रिंग वर्म के भी इस सब कंडीशंस में ये जेंटियन वायलेट यूज किया जाता है। तो आप क्रोनिक अल्सर में भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्रोनिक अल्सर का मतलब आप समझ रहे होंगे अल्सरेशन, मतलब पर्टिकुलर जो स्किन होता है उसमें आपका जो कोरोजन हो जाता है उसको हम बोलते हैं अल्सर। तो उस अल्सर को भी आपका उस अल्सर में भी यूज किया जाता है इस डाइस का, ठीक है। और एक्जिमा की बात करें, यहाँ पे इन्फेक्टेड एक्जिमा की बात करें, तो उसमें आपको क्या हो जाता है, जो आपके स्किन्स होते हैं, जो आपके पैचेस ऑफ स्किन्स होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन, आपका इचिनेस मतलब उसमें खुजली होगा, तो उसके लिए भी आपका यूज किया जा सकता है इस क्रिस्टल वायलेट्स का। बहुत सारी जगह पे आपको यूज किया जा रहा है, ठीक है। और साथ में आपका कुछ कुछ और कंडीशन होते हैं, जैसे हम बात करें यहाँ पे थ्रस्ट, तो थ्रस्ट मतलब आपका एक कंडीशन समझ सकते हैं। तो आपका इसमें क्या होता है, फंगस ग्रो हो जाता है, ठीक है, फंगस ग्रो हो जाता है आपके माउथ में या थ्रोट में, तो उस कंडीशन को हम बोल रहे हैं, या स्किन के म्यूकस मेम्ब्रेन भी मार सकते हैं, तो आपका ये ग्रोथ हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। ये आपका जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसके कारण से ये होता है, जिसका नाम है कैंडिडा एल्बी कैंस, ठीक है। तो इस ये आपका जेंटियन वाले भी इसको यूज किया जा सकता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है डाइस में एक्रीफ्लेविन एंड प्रोफ्लेविन। तो एक्रीफ्लेविन प्रोफ्लेविन की बात करेंगे, तो दीज आर द एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये आपका जो एक्रीफ्लेविन या प्रोफ्लेविन होता है वो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड गोनोकोकाई, जो आपको गोनोरिया कॉज करता है, उसके अगेंस्ट में ये क्या होता है, मोर एक्टिव होता है या मोस्ट एक्टिव होता है। सॉल्यूशन लूज एफिकेसी ऑन एक्सपोजर ऑन लाइट। तो ये जो एक्रीफ्लेविन या प्रोफ्लेविन होता है उसको हम हमेशा जो एम्बर कलर का बॉटल होता है उसमें फिल करके रखते हैं, क्योंकि इस सन के एक्सपोजर में आने के बाद ये क्या हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है या अपनी एफिकेसी को खो देता है। दे आर नॉन इरिटेंट, ये आपका नॉन इरिटेंट होता है, मतलब स्किन में अप्लाई करने से ये आपका इरिटेशन कॉज नहीं करता है। यूज इन क्रोनिक अल्सर एंड बॉन्ड्स। तो आपका जो एक्रीफ्लेविन या प्रोफ्लेविन होता है ये
क्रोनिक अल्सर में यूज किया जाता है, और साथ में वाउंड्स मतलब आपके जो छोटे मोटे घाव होते हैं उसमें भी आप यूज कर सकते हैं एक्रीफ्लेविन एंड प्रोफ्लेविन को। तो ये आपका डाइस कंप्लीट हुआ। तो आपका उसके बाद आपका नेक्स्ट जो एंटीसेप्टिक्स या डिसइंफेक्टेंट है वो है आपका फ्यूरान डेरिवेटिव्स। तो फ्यूरान डेरिवेटिव्स की बात करेंगे तो आपका नाइट्रोफ्यूराजोन जो होता है आपका, ये भी आपका एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज किया जाता है। तो इट इज साइडल टू बोथ, ये आपका साइडल नेचर का होता है मतलब किलिंग नेचर का होता है, बोथ के लिए ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम निगेटिव के लिए, दोनों के लिए आपका साइडल इफेक्ट शो करता है, मतलब किल करने का काम करता है दोनों टाइप के बैक्टीरिया को या दोनों टाइप के माइक्रोऑर्गेनिज्म को, जिसको हम बोलते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशंस या एरोबिक एंड एनएरोबिक बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया एरोबिक कंडीशंस, एरोबिक कंडीशन का मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनएरोबिक मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो दोनों कंडीशन में जो बैक्टीरिया ग्रो करता है उसको भी किल करने का काम करता है आपका नाइट्रोफ्यूराजोन या नाइट्रोफ्यूरल जो आपका फ्यूरान डेरिवेटिव है। इसका एक्शन जो होता है, इसका मैकेनिज्म एक्शन होता है, ये इनहिबिट करता है एंजाइम नेसेसरी फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म इन बैक्टीरिया, जो आपके बैक्टीरिया में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबोलिज्म होता है उसको ये किल करने का काम करता है। मतलब ये मान लीजिए कि जो बैक्टीरिया में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबोलिज्म हो रहा है, जो एंजाइम उस मेटाबोलिज्म को परफॉर्म कर रहा है या प्रोसीड कर रहा है, उस एंजाइम को क्या कर देता है ये आपका जो फ्यूरान डेरिवेटिव है जिसको हम बोल रहे हैं नाइट्रोफ्यूराजोन या नाइट्रोफ्यूरल, वो उसको इनहिबिट कर देता है या किल कर देता है, जिसके कारण से आपका बैक्टीरिया जो है वो आपका किल हो जाता है या इनहिबिट हो जाता है। इट इज हाईली एफिकेसियस इन बर्न्स एंड फॉर स्किन ग्राफ्टिंग। तो ये आपका जो बर्न ट्रीटमेंट होता है या बर्न के केस में भी इसका यूज किया जाता है, साथ में आपका जो स्किन ग्राफ्टिंग होता है स्किन ग्राफ्टिंग में भी इसका यूज किया जाता है। स्किन ग्राफ्टिंग का मतलब आप समझ रहे होंगे। तो स्किन ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जो आपके जो एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है आपका स्किन ग्राफ्टिंग, जिसमें क्या किया जाता है जो आपके स्किन मतलब जो डैमेज स्किन है उसको क्या किया जाता है रिमूव करके क्या किया जाता है वहाँ पे आपका ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है, मतलब दूसरे स्किन को लगाया आपके बॉडी के दूसरे स्किन को वहाँ पे क्या किया जाता है ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्किन ग्राफ्टिंग। तो उस कंडीशन में भी आपका जो यूज किया जाता है आपका नाइट्रोफ्यूराजोन एज एंटीसेप्टिक्स यूज किया जाता है। तो ये आपके हो गए डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक्स या एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया टोटल टोटल जो कंप्लीट आपका होता है एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट। तो ये आपका कंप्लीट हुआ क्लासिफिकेशंस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट। थैंक यू।